शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। अब मैं आपसे फिर से यही कहूंगी, ऐसे भागना ठीक नहीं। हम घर वालों को समझाते हैं ना, सब अपने ही लोग ही मान जाएंगे। श्रद्धा, उससे पहले तुम्हें समझना होगा कि इस वक्त वो कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक होगा अभय, इस तरह से भाग कर? और सबसे हम कब तक भागते रहेंगे, कब तक? देखो, मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, पर इस वक्त हमें निकलना होगा यहाँ से। हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, पर अभी चलो। श्रद्धा देवी की जय, 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 श्रद्धा देवी की जय। बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा तुम्हारे परिवार को अभय। अब या तो तुम अपनी श्रद्धा को बचाओ या अपने परिवार को। देवी की करेंगे जय जयकार, दुश्मनों को तोड़ेंगे अहंकार। जय हो श्रद्धा देवी की, श्रद्धा देवी की जय, श्रद्धा देवी की, श्रद्धा देवी की, श्रद्धा देवी की, श्रद्धा देवी की, श्रद्धा देवी की जय। श्रद्धा, श्रद्धा चलो, अरे कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, चलो यहाँ से। वरुण, श्रद्धा देवी कहाँ है? हम जानते हैं कि तुम्हें जरूर पता होगा, क्योंकि अभय भी घर पे नहीं है। इसीलिए हमारी फिक्र करने का तुमने ड्रामा किया ना वरुण? तुम दोनों भाइयों को रत्ती भर भी शर्म नहीं आई ऐसा बेहुदा खेल खेलते हुए? वरुण जी, क्या सच में अभय दीदू को, देवी श्रद्धा को लेकर भाग गया? ये भगवान, ये तो अभय ने बहुत बड़ा पाप किया और अब इसकी सजा हम सबको। कैसी बात कर रही हैं आप मम्मी? अरे अपनी पत्नी को कहीं भी ले जाना कब से पाप हो गया? आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, सब ठीक है। त्रिपाठियों, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो त्रिपाठियों। दरवाजा खोलो त्रिपाठियों, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो त्रिपाठियों, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। सुन लिया, तुम कह रहे थे कुछ नहीं होगा ना, अब ये देखो। लेकिन भाभी, इन भक्तों के प्रकोप से हमें कौन बचाएगा, अब क्या करेंगे हम लोग? मम्मी, मम्मी मुझे डर लग रहा है, इन लोगों ने कुछ कह दिया तो। वरुण जी, कुछ करना होगा वरना ये दरवाजा तोड़ कर अंदर आ जाएंगे। चाची जी, आपके लाडले बेटे के पाप का भुगतान अब पूरे परिवार को उठाना पड़ेगा। अरे ये समय नहीं है ये सब बात करने का, ये देखो कि हमें एकजुट होकर इनका सामना करना पड़ेगा। ऐसे कैसे तक उसे चला आ रहे हो? ये हमारा घर है, जमीन है, ये क्या कर रहे हो? बदतमीज तो आप लोग हैं, आपका लड़का हमारे देवी श्रद्धा को भगा कर ले गया है। ये सब के सब पापी है, छोड़ना मत इससे। अच्छा, हाथ लगा के दिखाओ मेरे परिवार को, तुम सबको जेल में डलवा दूंगा मैं, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। बुलाओ जिसे बुलाना है बुलाओ, हम किसी से नहीं डरते हैं। सही कहा तुमने, वैसे भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पापी लोग है ये, मारो इन्हें। ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तो। हम बता रहे हैं आप लोगों को, उस अभय त्रिपाठी को हमारे हवाले करो, नहीं तो उसके पाप की सजा तुम सब भुगतो। अरे नहीं है वो यहाँ, जाओ जाके खुद ही बाहर ढूंढ लो। झूठ, तुम सब ने मिलके भगाया हमारी देवी श्रद्धा को उस अभय त्रिपाठी के साथ, इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। अरे बंद करो ये तमाशा, हम लोगों को कुछ नहीं पता है।
अबे तू ठीक है ना? तूने मेरी श्रद्धा को मारा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। इस श्रद्धा को मारेगा तू? जा। माफ कर दीजिए देवी श्रद्धा, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्षमा करिए हमें, अपने भक्तों को क्षमा कीजिए। श्रद्धा देवी की जय। श्रद्धा देवी की जय। श्रद्धा देवी की जय। देवी श्रद्धा, आपका प्रकोप हम पर मत डालिएगा, क्षमा कर दीजिए हमें। क्या कर रहे हैं आप सब? खड़े होइए प्लीज, खड़े होइए आप सब। अपनी भक्ति में इतने अंधे और पागल मत हो जाओ कि देवी को ही चोट पहुंचा दो। अरे श्रद्धा देवी ध्यान में थी, इसलिए घर पे भी नहीं दिख रही थी। हाँ, यही तो हम आप सबको बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। उससे पहले आप लोगों ने लाठी उठा ली और ये सब तोड़ फोड़ कर दिया। देवी श्रद्धा और अभय कहीं नहीं गए थे, यही थे। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? इस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, एक गर्भवती महिला रहती है। अगर इस लड़ाई झगड़े में उसके आने वाले बच्चे को कुछ हो जाता तो ये पाप नहीं आपकी नजरों में? हमें क्षमा कर दीजिए देवी श्रद्धा, हमें तो जिसने भड़काया वो तो अनंत होने से बचा लिया देवी श्रद्धा ने, वरना उनके भक्त दिनों से बहुत बड़ा पाप हो जाता। ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। हाँ, जय हो श्रद्धा देवी की। श्रद्धा देवी की। अरे मत करो ये सब। ये कोई देवी नहीं है, एक इंसान है। आपकी और मेरी तरह से भी चोट लगती है, खून निकलता है। खुद देख लो, अपने दिमाग का पर्दा खोलने की कोशिश कीजिए। ये आपके मोहल्ले की बहू श्रद्धा त्रिपाठी है। देवी के लिए छोटी सी चोट कुछ भी नहीं, ये देवी है। अगर आग पर भी चले तब भी भस्म नहीं होगी। हाँ, सच है ये। देवी श्रद्धा को मौत छू भी नहीं सकती है। अगर वो आग में भी चलेगी ना तो उन्हें कुछ नहीं होगा। देवी श्रद्धा, अब आपको इनके सामने साबित करना होगा कि आप देवी हैं। आपके भक्त चमत्कार देखना चाहते हैं देवी। कहिए देवी श्रद्धा, क्या आप अपने भक्तों के लिए अग्नि परीक्षा देंगी? हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं देवी श्रद्धा। आप हमारे लिए, आपके प्रति हमारी भक्ति के लिए क्या अग्नि परीक्षा का चमत्कार दिखाएंगी ना? हाँ देवी श्रद्धा, आप अपने भक्तों के लिए अग्नि परीक्षा देंगी ना? बोलिए देवी श्रद्धा, बोलिए बोलिए ना देवी श्रद्धा। मैं दूंगी अग्नि परीक्षा।
अगर आप सब यही चाहते हैं कि मैं उस आग के तपन से गुजरूं, तो अब यही होगा। श्रद्धा देवी की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। चुप करो, अपनी जय जयकार बंद करो। श्रद्धा की जय। श्रद्धा की जय। चुप हो जाओ सब। और तुम इनके कहने पे कुछ भी करोगी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये है कौन? मैंने फैसला ले लिया है अब है, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये मेरा फैसला है और ये हो के रहेगा। मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। आज ये कह रहे हैं तुम्हें आग में जलने को, तो तुम जल जाओगी। कल ये जहर पीने को बोलेंगे तो जहर भी पी लोगी क्या? यही सब करने का इरादा है? हमारी देवी श्रद्धा से बदतमीजी करता है। देवी श्रद्धा ने बोल दिया अग्नि परीक्षा देगी मतलब देगी। एक आम इंसान होकर हमारी देवी श्रद्धा पर क्या तुम हुकुम चलाओगे? अरे बेटा तुम शांत हो जाओ। अरे श्रद्धा देवी के फैसले के बीच में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, आपकी बहू की बलि चढ़ाने की बात चल रही है यहाँ पर, आप क्या चाहती हैं? आपके सामने आपकी बहू को आग लगा दी जाए, वो भी इन सब की बेवकूफी की वजह से? ये देवी श्रद्धा का अपमान कर रहा है, अब इस नास्तिक का मुंह बंद करना ही पड़ेगा। तू तोड़ेगा मेरा मुंह? हाँ, सबको मेरे खिलाफ भड़काता है तू, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं आज। देवी श्रद्धा के वजह से चुप है हम, वरना तुझे तो मैं क्या करेगा? बुला, क्या करेगा? मेरी बीवी की बलि चढ़ाएगा तू? देखिए, मैंने कह दिया है ना, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी मतलब ऐसा होगा। अबे तू चल मेरे साथ चल। नहीं भाई छोड़ मुझे। अबे मेरी बात सुन, तू चल मेरे साथ चल। नहीं भाई छोड़ूंगा नहीं मैं। देखिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ, आप लोग प्लीज जाइए, अपने घर जाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। हाँ, अब श्रद्धा देवी आराम करना चाहती हैं। कल वो पूजा के बाद अग्नि में बैठ के हम सबको अपने दिव्य रूप का दर्शन देंगी। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। छोड़ भाई मुझे छोड़। अबे अभी श्रद्धा को सब संभाल लेते, तू शांत हो जा पहले। शांत हो जाऊं? और मन ने तो अपनी श्रद्धा को उन मन बुद्धि भक्तों के सामने, और भाई तू भी चुप रहा, कुछ नहीं कहा तुमने, क्यों? अबे तू समझने की कोशिश कर पहले यार। वो लोग लाठी डंडे लेके घर में घुसा है, पागल पे सवार है उनके सर पे, बूढ़े बुजुर्ग औरतें किसी को नहीं देख रहे, तुझे तो मार ही डालते वो। ऐसा पागलपन देखने से अच्छा मैं मर ही जाऊं। भाई तू बाहर जा और उन सबको बोल दे, अगर इस अग्नि परीक्षा में श्रद्धा को कुछ भी हुआ तो मैं बता रहा हूँ दुनिया में आग लगा दूंगा मैं। अबे तू पहले शांति से काम ले, शांत हो जा तू। अगर श्रद्धा ने ये सब करने के लिए फैसला ले ही लिया है तो उसने कुछ सोचा होगा यार, पहले उससे बात तो कर ले। दिमाग में चल क्या रहा है तुम्हारे? चाहती क्या हो तुम? कीर्ति, अब मैंने क्या कर दिया? ओह, तो तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या किया? दीदू को देवी बनाने का प्लान असल में तुम्हारे दिमाग से आया है। तुम जानती हो ना कि वो देवी नहीं, फिर भी उनको अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर क्यों किया? जान लेना चाहती हूँ उनकी। ये पानी पियो और शांत हो जाओ। चेतावनी दे रहे हैं हम तुम्हें, हमारा मकसद है दीदू और अभय को अलग करना, ना कि उनकी जान लेना, और अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बंद करो अपनी ये धमकियां, सुन सुन के ना मेरे कान पक गए। कीर्ति, मैं ना इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, तुम देख रही हो ना अभय कितना हाथ पैर मार रहा है हमारे प्लान को चौपट करने के लिए, और वो दिन दूर नहीं कि वो घर वालों को यकीन भी दिला देगा। किस बात के लिए? यकीन दिला दे कि श्रद्धा देवी नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस अग्नि परीक्षा के बाद
अभय खुद वो चमत्कार देखे जो हम उसे दिखाएंगे। इस अग्नि परीक्षा के बाद अभय की ही हिम्मत नहीं होगी श्रद्धा को इंसान साबित करने की। मैं अभी से बात करना चाह रही थी। पहले मुझे तुम ये बताओ, उनके पागलपन को तुमने हाँ क्यों कहा? आप बैठिए, बैठिए पहले। क्योंकि अभय मैं अपना सच उनके सामने लाना चाहती हूँ। तुम क्या सोच रही हो श्रद्धा? यही कि अभय, जब उनके सामने मैं अपनी अग्नि परीक्षा दूंगी, मुझे मुझे आग से चटका लगेगा, मेरे पैर जलेंगे, मेरे कपड़े जलेंगे, तो उन्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैं भी एक इंसान हूँ उन्हीं की तरह, मैं कोई देवी नहीं हूँ। वाह देवी जी वाह, आप तो महान है। लोग आपसे बलि नहीं मांग रहे बल्कि आप तो खुद अपनी बलि देने जा रही है। देखो श्रद्धा, दुनिया वाले तुम्हें देवी समझते होंगे, मैं नहीं मानता, पर ऐसी बेवकूफी में मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। मेरी बात सुन प्लीज, मैं जानती हूँ अभय, आपके रहते मुझे कुछ नहीं होगा, बस वहाँ पानी लेकर खड़े रहिएगा। देखो श्रद्धा, मैं तुम्हें तुम्हारी जान के साथ खतरा मोल लेने नहीं दूंगा। दुनिया का पता नहीं, पर मेरे लिए पाप है, मुझसे नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे दिल में। अभय, अभय, आपको मेरी आंखों में आपके लिए विश्वास नहीं दिखता है। अभय, खुद से ज्यादा मुझे आप पर भरोसा है, और आपके रहते मुझे वो आग छू भी नहीं पाएगी। श्रद्धा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। इसी डर का तो हमें सामना करना है अभय, और आप देखिएगा हम जीतेंगे भी, माता रानी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। अब हम इस तमाशे को कल ही खत्म कर देंगे। देवी श्रद्धा की जय। 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 देवी श्रद्धा, हमेशा हम पर कृपा बनाए रखिएगा। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। आप लोगों को अपने सामने ऐसे झुकता हुआ और नहीं देख सकती। रोशनी के रचाए इस बेहुदा खेल को आज ही खत्म कर दूंगी। देवी श्रद्धा की जय। आज रात देवी श्रद्धा हम भक्तों के लिए अपनी परीक्षा देने वाली है, तो हम भक्तों का भी तो फर्ज बनता है कि पूरे आदर के साथ उनकी पूजा और सेवा करें। मेरे परिवार की भक्ति को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है तुमने, पर अब बस कुछ ही देर में हमारी जिंदगी से बाहर फेंक दूंगी मैं तुम्हें। जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा तुमने तुम्हारे साथ क्या होने वाला है श्रद्धा। आज दुनिया तो क्या, तुम्हारे खुद के होश उड़ जाएंगे। We'll be right back.
श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। आज पूरी दुनिया को होश में लाना होगा मुझे। इस अंधविश्वास को खत्म करना होगा मुझे। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी आग में भी श्रद्धा को जरा सा चटका तक नहीं लगा। ये क्या है भाई? रोशनी की रची साजिश। श्रद्धा आग से बच जाए और दुनिया के सामने श्रद्धा देवी बन जाए, यही तो रोशनी चाहती थी। तुझे और श्रद्धा को अलग करना। अगर श्रद्धा दुनिया के सामने देवी बन गई तो तुझे मजबूरन उससे अलग होना पड़ेगा। अगर दिल से श्रद्धा से प्यार करता है तो दिमाग से रोशनी के खिलाफ कोई प्लान बना, क्योंकि हमेशा वो हमसे दो कदम आगे रहती है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।